हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। और एक्सेल में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डेट के लिए डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस एक मिनट लगेगा ये समझने में। देखिए क्या करना है, जितने एरिया में आपको डेटा वैलिडेशन डेट वाला लगाना है वो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए मुझे इतने ही में लगाना है तो ये सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाएंगे ये डेटा वैलिडेशन डेटा टाइप पर। डेटा टाइप पर चलेगा, ये मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहाँ पर यस कर दीजिए। यहाँ पर डेट आ रहा है, हमें फिलहाल यहाँ से लिस्ट चूज करना है और यहाँ पर आपको अपनी वो डेट देनी है। जैसे मैं दे देता हूँ 1/4/2022, यहाँ पे कॉमा देकर के लिखूंगा 2/4/2022, ठीक है। फिर कॉमा देकर लिखूंगा 10 और यहाँ पर 10/10/2022 के बाद 5/5/2023 कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर टिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये अलग अलग डेट्स भी आने लगी। यहाँ पर देखिए ये सेम, अब देखिए यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर देखिए चौथा मैं लेके आता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से फिर आ गया। जितनी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये आता चला जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।